अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। तो इस्लामाबाद में इतनी शदीद वाली ठंड हो गई है ना, और इस कमरे में हीटर भी नहीं है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो मैंने क्या किया, टोपी शोपी पहन ली है, नीचे मैंने हाईनेक पहन ली, मुझे सर्दी ना लगे, और वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो मेकअप वीडियो है, तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सारा ये म्यूसिन का मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ आज की वीडियो में, और मैंने पहनी है बहुत ही लश पश सी साड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बल्कि कोशिश करूंगी कि यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे छोटा सा क्लिप चला दूँ उसका, ताकि आप लोग देख लो मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। ये म्यूसिन का फेस वॉश है, ये म्यूसिन का जेल फोमिंग बबल क्लींजर है। मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ आपको कि ये कैसा है। अगर ये इस तरह की उसमें आता है पम्प फार्म वाली बोतल में, इसके आगे जो है वो छोटा सा ब्रश लगा होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब आप इसको ऐसे प्रेस करते हो, अंदर से जो है इसके तरीके से बबल्स निकलते हैं फोमिंग, और इस तरीके से जो है आप इससे अपना फेस वॉश कर सकते हो। आपको अलग से मसाजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, आपकी स्किन को जो है वो रैश नहीं डालता, आपकी स्किन को छीलता नहीं है, और बहुत ही जेंटली आपके पोर्स को भी क्लीन कर देता है, और आपकी स्किन को भी क्लीन कर देता है, और डस्ट डर्ट जो है वो रिमूव कर देता है। ओके भाई, तो फेस हमने वॉश कर लिया है इतनी ठंड में भी आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम ऑब्वियसली सर्दियाँ हैं तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगे, और म्यूसिन की है ये गोट मिल्क क्रीम। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, म्यूसिन जो है वो बहुत ही हाई एंड ब्रांड है, आपको इसकी पैकिंग से भी आइडिया हो जाता होगा। इसके अलावा जिस जिसने इसकी चीज़ें यूज़ की सबको बताया कि इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ग्लास बॉटल में है ये मुझे बहुत टन लग रही है, वाह यार कंसिस्टेंसी है कितनी अच्छी है इसकी। चलो जी, इसको हम लगाते हैं, और इसके ऊपर हम करेंगे मोशन के लिए। इसको मैं हाथों पर भी लगा लेती हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं अभी हाथ पे भी लगाती हूँ, क्योंकि अभी हाथ धोकर आई हूँ, हाथ फिर से ड्राई हो गए, और फेस पे भी लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, और थोड़ी सी स्टिकी भी है, आई थिंक ये फेस को रिजनवेट भी करेगी। इंटेंस मॉइस्चराइजर क्रीम दैट फॉर्म्स अ सॉलिड मॉइस्चर फिल्म एंड इंक्रीज द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द स्किन। देखा ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, जितनी भी सीरम या क्रीम होते हैं स्टिकी, तो इसी पर्पज के लिए होते हैं। अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर दिया, हालांकि मैंने रिंग लाइट ऑन नहीं की हुई है। लगा रहे हैं म्यूसिन का फेस प्राइमर। इनकी सब चीज़ों की पैकिंग बहुत ही आला है, प्राइजेस कम हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। प्राइमर देख लें कितना प्यारा बना हुआ है, यहाँ से खोलेंगे हम। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और इस तरह की कंसिस्टेंसी में। ठीक है, आप जो है इसको नेक पे भी लगाएं अपनी, और आई के ऊपर भी, आई के नीचे भी, और पूरे फेस पे भी, जहाँ जहाँ आपको पोर्स हैं, फ़ौरन से जो है आपके पोर्स को ब्लर कर देता है। आपको नोज़ पर रिजल्ट जो है इसके समझ आ रहे होंगे। ये देखें, सुबह में है बहुत ज्यादा ड्राई, तो म्यूसिन की ही लिप बाम है जो कि मैं लगा रही हूँ, और काफी क्यूट सी लिप बाम, पैकिंग देख लो इसकी कितनी प्यारी है। उसके बाद मैं आपको लिप बाम दिखाती हूँ इसकी, ये देखें, वाओ कितनी क्यूट लिप बाम है, और यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है। अच्छा, इसको फिर हम यहाँ से खोलेंगे ऐसे, वाओ बहुत प्यारी है। उसके बाद हम इसको लगाएंगे, क्योंकि लिप सुबह में है थोड़ा सा ड्राई, तो क्योंकि हमने लगानी है मेट लिपस्टिक, इसलिए लिप बाम लगा लें, क्योंकि विंटर है तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप बाम लगा लोगे तो ड्यूरिंग मेकअप आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाएंगे, और जब आप लिपस्टिक लगाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी लिपस्टिक, और जो लिपस्टिक क्रैक हुई होती है जगह जगह से वो अच्छी भी नहीं लगती। मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ म्यूसिन की 3-in-1 आईब्रो पेंसिल, और बहुत अच्छी है। और मेरे पास उसका शेड है वो है डार्क ब्राउन। यहाँ पे देखें, पहले मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे इसकी आईब्रो पेंसिल है ये, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ये वाला शेड इसका। ठीक है, मेरे आईब्रोज पर परफेक्ट जाता है। उसके बाद यहाँ से जब आप इसको खोलते हो तो यहाँ आके फिल कर सकते हो, इसके अलावा आप ऐसे ऐसे दबा दबा के भी इसको फिल कर सकते हो। और इसका भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ये इस तरीके का फिल करता है आपके आईब्रो को। और फिर नीचे जो है इसका स्पूली भी है, उससे क्या होता है, अगर आपके आईब्रो जो है वो बुशी आईब्रो हैं, और आपके आईब्रो जो है वो सेट नहीं होती, और आपको अलग से जो है वो आईब्रो के लिए कुछ लेना पड़ता है आईब्रो को सेट करने के लिए, तो ये वाला जो है उस पर्पज के लिए यूज हो सकता है कि आप अच्छे से इसको साफ करके, उसके बाद जिसमें ना हल्के हल्के से बाल बाल से होते हैं, मुझे लगता है, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, मतलब जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ मुझे लगता है इसमें से ना हल्के हल्के से ना कुछ ऐसे आपको नजर आ रहा है, इस तरह का चीज़ होती है, तो जिससे पता नहीं चलता कि ये आर्टिफिशियल कुछ लगा हुआ है। भाई, तो दोनों आईब्रोज आपको नजर आ रहा है, मैंने फिल कर लिया है, कॉम भी कर लिया है उनको, और अब मैं यहाँ पे इसको कंसीलर करने लगी हूँ। है जी कंसीलर म्यूसिन का, पैकिंग बहुत ही प्यारी है, शेड है मेरा इसमें 02। कंसीलर का जो शेड है ना, थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए आपको, उससे जो होता है, क्योंकि हम कंसीलर को मोस्टली करेक्टर के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए। तो जब थोड़ा सा लाइट शेड होगा और जब उससे हम हाईलाइट करेंगे, तो जैसे ब्रोज को मैंने लगाया तो आपको नजर आ रहा है ब्रो की शेप एकदम से निकल कर आई है, तो सेम ये चीज़ होती है कि एकदम से हाईलाइट होनी चाहिए चीज़। ठीक है, ओके, ये हमने लगा लिया है कंसीलर। मैं आपको ब्लेंड ऑन कैमरा दिखा रही हूँ कि आपको नजर आ जाए कि कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है। ये देखें,
फोरन से आईब्रोज को हाईलाइट भी कर दिया इसने और कवरेज भी कितनी अच्छी दी है। ये है जी हमारा आई शेडो पैलेट, वो कितना हसीन बना हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा ये देखें। और दूसरा पैलेट जो मैं यूज करूंगी आज की वीडियो में ये वाला है, क्योंकि मुझे चाहिए एक व्हाइट शेड और एक ट्रांजिशन कलर और एक चाहिए ब्राउन कलर, वो तीनों कलर जो है वो इस पैलेट के अंदर है। एक आंख का मेकअप जो है मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है, मैंने करेक्टर भी लगा लिया है डार्क सर्कल वगैरह पे, और दूसरे आईज को मैंने कंसील कर लिया है। अब मैं म्यूसिन का ये वाला आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, इसमें जो सारे शेड हैं वो ये हैं, ट्रांजिशन कलर है इसमें, न्यूट्रल कलर है इसके अंदर, ब्राउन, ब्लैक, मतलब अगर आपको स्मोकी लुक करना है या उसके अलावा अगर आपको शेड यूज़ करने हैं उसके लिए पैलेट जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है और बहुत इजी टू कैरी है। तो मैं इसमें से ये वाइट शेड ले रही हूँ ऐसे, और इसको मैं लगा रही हूँ अपने आई बेस के तौर पर। इससे क्या होगा, जो भी मैं ऊपर कलर लगाऊंगी ना वो मेरा कलर बहुत ही अच्छा ब्लेंड होगा, दूसरी बात कि बहुत ही अच्छा पॉप आउट होगा वो कलर, ठीक है। बाद में इसी में से एक कलर ले रही हूँ ट्रांजिशन कलर, बहुत ही लाइट सा कलर है और ये स्लांट ब्रश में यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्टली जो है मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मेकअप जो है हमने ये वाला करना है और बहुत ही तरीके से करना है, ठीक है भाई। तो उसके बाद है म्यूसिन का ये वाला पैलेट, आपके सामने पैलेट कितना क्यूट है और पिगमेंटेशन भी बहुत प्यारी है, ग्लिटर भी है इसके अंदर, मेट कलर भी है इसके अंदर और मेटालिक कलर भी है, सारे वो कलर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं एक अच्छे पैलेट के अंदर। इसकी प्राइस भी बहुत कम है। अब इसमें जो ये वाला शेड है ना, क्योंकि मैंने साड़ी पहननी है शॉकिंग पिंक कलर की, तो ये जो शेड है इससे मिलता जुलता है, और ग्लिटर जो है मैंने इसके अंदर यूज़ करना है गोल्डन, तो मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और इस शेड को मैं लगाऊंगी अपनी आईज के इस वाली जगह पर और ये आउटर कॉर्नर पर भर भर के ये वाला कलर ले रही हूँ इसके अंदर। ये देखें अच्छा खासा लेना है हमने, यहाँ पे एक चम्मच इस तरीके से आईज को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और फिर यहाँ पे हमने इसको करना है जब तक कि आपकी मर्जी का कलर ना आ जाए, आपने तब तक जो है इसको ब्लेंड करना है ये देखें। और उसके बाद जो है हम बाद में इसको सेट भी करेंगे, उसके बाद जो है हम चम्मच का ये वाला कॉर्नर रखेंगे और दोनों की डायरेक्शन हमने देखनी है, ऊपर की तरफ जानी है और यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि आधा जो है वो आँख के ऊपर जाएगा जिस तरीके से आप स्मज लाइनर लगाते हैं, और आधा जो है वो आंख के बाहर जाएगा ऐसे, ये देखें। अब इसमें जो ये वाला ग्लिटर कलर है ये मैं लगा रही हूँ आईज के ऊपर। इन ग्लिटर के साथ आपको गम की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको बहुत ही आराम से लगा सकते हो इस तरीके से, और आपको नजर आ रहा है कितने हसीन लग रहे हैं ये। अभी तो मैंने कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं लगाई हुई, जो कमरे में सिंपल लाइट है मैं उसी में मेकअप कर रही हूँ। और शेड हमने ऊपर लगाया है आईज के, वही शेड जो है हम आई के नीचे लगाएंगे इस जगह पे। हमने यार थोड़ा सा डार्क मेक लुक दिया है अपनी आई को, वरना मैं बहुत ज्यादा डार्क पे जाती नहीं हूँ। ओके भाई, तो ये म्यूसिन का लाइनर है, मुझे म्यूसिन का लाइनर बहुत पसंद है। मैं जो जितने भी विंग लाइनर वगैरह लगाती हूँ वो इसी से लगाती हूँ। इनकी जो निब है ना वो बहुत प्यारी है, आपको दिखा भी देती हूँ। तो अब लाइनर देखने कितना क्यूट है, उसके बाद इसकी निब देखें लाइनर की, इतनी अच्छी निब है ना कि इससे बहुत ही शार्प लाइनर लगता है। अब आपको बताए लेशेज लगाने से पहले मैं लाइनर लगाती हूँ, तो मैं लेश के साथ साथ लाइनर लगा रही हूँ। टन टन टन। ओके भाई, तो मैंने जो है लैशेस भी लगा ली है, लाइनर भी लगा लिया है, और आपके सामने है आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है और शर्ट के साथ मेकअप उठ रहा है, ठीक है। अब लगाने के बाद ये फाउंडेशन म्यूसिन का ब्रश है, इसी से मैंने कंसीलर वगैरह ब्लेंड किया था। म्यूसिन का फाउंडेशन है और ये म्यूसिन का जो है फाउंडेशन ल्यूमिनस सिल्क फाउंडेशन है इसका, इसमें मेरा शेड है 200 और पैकिंग इसकी ऐसी जैसी मेक के फाउंडेशन की होती है, इसका रिजल्ट भी ऐसा जैसे मेक के फाउंडेशन का रिजल्ट होता है। इसको मैं अपने हाथ के बैक साइड पर निकाल रही हूँ और इसको मैं इस ब्रश से जो है आपको एक साइड ब्लेंड करके दिखाती हूँ। मैंने करेक्टर ऑलरेडी लगाया हुआ है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाते हैं, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा इसकी कवरेज कितनी अच्छी है, ये देखिए, इसको आप ब्राइट पे भी यूज कर सकते हो, फुल कवरेज फाउंडेशन है, बहुत ही ल्यूमिनस फिनिश देता है ये और वेलवेटी फिनिश होती है इसकी, ये देखें। तो फाउंडेशन जो है वो फुल फेस पे लग गई है, आपको नजर भी आ रहा होगा, गर्दन पे भी हमने लगा ली है। अब मैं इसको करती हूँ कंटोरिंग। ये वाला पैलेट है ना, इसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, P1015 को जिसके पीछे लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लेना उनकी वेबसाइट से। इसमें से मैं कंटोरिंग का शेड ले रही हूँ और उससे जो है मैं स्लांट ब्रश से जो है कंटोरिंग कर रही हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ। देखना इसके पिगमेंट कितने अच्छे हैं, ठीक है। हम अपने चीकबोन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपनी यहाँ से चिन को कंट्रोल कर रहे हैं ये वाली जगह, क्योंकि फाउंडेशन लगा होता है, फिर अगर इस वाली जगह को कंट्रोल ना करो तो फिर डबल चिन नज़र आती है। चाहे तो फॉरहेड कंट्रोल हो गया, और कोई गैप्स वगैरह हैं बालों में तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, नोज़ को कंट्रोल करना चाहते हो नोज़ को कंट्रोल कर सकते हो। टिप कंट्रोल करूँगी मैं यहाँ से, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ही हमने नोज़ कंट्रोल की है, नोज़ की जो दरमियान वाली लाइन है वो एकदम से हमें प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है। म्यूसिन का ब्लश, इसका नंबर है 01। अच्छा, इसके जो सारे पैलेट है ना ये बहुत ही इजी टू कैरी है, आप इसे आराम से इसको उठा सकते हो। चार शेड हैं इसमें हमारे पास, मैं आपको चारों के कलर पिगमेंट चेक करा देती हूँ कैसे हैं, ये देखें कितने मजे के पिगमेंट हैं इसके, ये देखें वाओ। अब इसमें जो शॉकिंग पिंक वाला है मैं वो लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ही हल्का सा, ये कंटोरिंग के साथ ब्लेंड करके बस, और जिस ब्रश से कंटोरिंग लगाई है उसी से ही लगा रही हूँ, ये देखें। बारी है इल्यूमिनेटर लगाने की, अब हम लगा रहे हैं इल्यूमिनेटर।
लिक्विड इल्यूमिनेटर है, जिस तरीके के आयोनिक के आते हैं, मैं ड्यूब की बात नहीं कर रही, ओरिजिनल की बात कर रही, उस टाइप का है। और इसका जो शेड है वो हमने लिया था पिंक पिंक सा, ये देखें। और जब इसको ब्लेंड करेंगे तो ये इस तरीके से बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है इजीली, कोई स्टेन नहीं छोड़ता। तो इसको जो है हम लगाते हैं सबसे पहले नोज की टिप पे, और साथ साथ जो है वो ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं कि आप लगा के फिर पूरे मुंह पे लगाने के बाद ब्लेंड करो, ठीक है। सब फोरहेड पे, वाओ कितना सेटल लगा है। ओके भाई, तो ज्वेलरी मैंने पहन ली है ये वाली, इसका नेकलेस भी वो मैंने नहीं पहना। अब मैं लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे। इनकी ये 12 कलर लिपस्टिक पैलेट है, और ये जो है मेड लिपस्टिक है, सारे के सारे लॉन्ग लास्टिंग है, इनरिच्ड विथ हाई प्योरिटी पिगमेंट्स, ठीक है। कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, पैलेट के प्राइस भी कम है, और कलर भी ये ढेर सारे आपको मिल जाते हैं, और कलर भी जो है ना वो काफी यूनिक से कलर है। तो मैंने ऑब्वियसली शॉकिंग पिंक कलर लगाना है, तो चलें अब हम लिपस्टिक लगाने लगे। ओके, और बहुत प्यारी लिपस्टिक है यार, पहले लिप लाइन बनाते हैं। फॉर्मूला देखें कितना अच्छा है इसका, यार क्या कलर है लिपस्टिक का। मुझे नहीं पता कि सेपरेट मिलती है कि नहीं मिलती है, इसका नंबर है 02। उफ सही आतंक कलर है, देखें बहुत प्यारी लग रही है। तो चलें ओवरऑल लुक दिखा। ओके भाई, तो दिस इज माय फाइनल लुक, और ये मेरा ओवरऑल ड्रेस है। मैंने सिल्क की जो है फॉल बनवाई है इस साड़ी के साथ, और बहुत मजे का मेहरून और शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। इसलिए जो मैंने आई मेकअप भी है ना, जो मैंने ऊपर कलर दिए थे, आपको करीब से दिखाती हूँ कि आई मेकअप कैसा लग रहा है। ये देखें, कट क्रीज जो है वो आउटर कॉर्नर से बंद नहीं हो रही है, एक दूसरे से सेपरेट है, और ये ओवरऑल लुक है। लिपस्टिक, फाउंडेशन, ब्लश, कंटूर, हाईलाइटर, इल्यूमिनेटर, हर चीज़ देख लें आप कैसी लग रही है। सब प्रोडक्ट के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। प्रोडक्ट जो है वो टेस्टेड है और रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।